next question question says an aeroplane has to go from a point a to another point b 500 kilometer away due 30 degree east of north a wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज़ 150 मीटर पर सेकेंड अब यहाँ पे दो सवाल हैं पहला है फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी दूसरा पार्ट है फ़ाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी नाउ इसके बहुत ही अलग अलग वर्जन है हम इसको सिंपलेस्ट वर्जन से करेंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सेस को थोड़ा सा एक्सेस को हम चेंज करेंगे बहुत ही सिंपल सवाल है कॉन्सेप्ट uh, बड़े अच्छे क्लियर होते हैं इस सवाल से देखो स्नैरियो ये है कि ये आपका Uh, कोई पॉइंट ए है ये लेटेस्ट से आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है और अपने प्लेन को इस डायरेक्शन में जाना है ये आपका पॉइंट बी है जो कि यहाँ से थर्टी डिग्री के एंगल पे है ठीक है सो दिस इज़ कॉल्ड ये आपका स्पेशल स्नैरियो है जहाँ पे हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड मोशन इन डिज़ायर डायरेक्शन और यहाँ पे आपकी विंड जो है वो विंड फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में सो so, ये आपकी विंड की डायरेक्शन है वेलासिटी ऑफ विंड नाउ दिस इज़ द डिज़ायर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अपने प्लेन को इवेंचुअली जाना है सो so, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है नाउ रिलेटिव मोशन की जैसे हमने थ्योरी पढ़ी हुई है उसमें हम ये कहते हैं रिलेटिव मोशन में हम ये कहते हैं है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो है विद रेस्पेक्ट टू विंड दैट विल भी इक्वल टू इसको एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं सो so, हम कहेंगे वेलासिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड विल भी इक्वल टू वेलासिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलासिटी ऑफ विंड विच एम्प्लाइज वेलॉसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी रिजल्टेंट ऑफ वी पी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू राइट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्योंकि आपकी विद रेस्पेक्ट टू तो ग्राउंड फ्रेम से जब भी आप देखेंगे प्लेन आपको इधर जाते हुए दिख रहा है और ये क्योंकि रिजल्टेंट है तो आपका एक्चुअल प्लेन जो है वो इस कहीं डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगा लेटेस्ट कॉल दिस एंगल फाइव तो प्लेन आपका ये वेलासिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड है इस डायरेक्शन में जाएगा और क्योंकि विंड आपके नॉर्थ में है तो प्लेन इधर जाएगा विंड आपकी उसको इधर ले आएगी फिर वो इधर जाएगा इधर ले आएगा इवेंचुअली ये डायरेक्शन आपके प्लेन की डायरेक्शन रहेगी ना इसके लिए डायरेक्शन को निकालने के लिए हम ये चाहेंगे कि रिजल्टेंट उससे देख के कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन है इसके अब एक्सेस को हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अगर हम मान लो एक्स वाई डायरेक्शन ऐसे और ऐसे ना कह के लेट्स कॉल दिस डायरेक्शन ये आपकी लेट्स कॉल दिस डायरेक्शन एज वाई डायरेक्शन एंड लेट्स कॉल दिस डायरेक्शन एज़ एक्स डायरेक्शन 90 के एंगल पे हमने इसको ऐसे आ, दो एक्सेस अपने यहाँ पे चेंज कर लिए नाउ ये जो फाइनल आपकी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो प्लेन आपका इधर जा रहा है पर इवेंचुअली ये डायरेक्शन हो इसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट आएगा सो दिस विल बी वी पी डब्ल्यू Uh, यह आएगा आपका साइन फाइ, साइन फाइ, और इसका वेलोसिटी ऑफ विंड का जो ये कंपोनेंट होएगा ये वाला तो दिस विल बी वी डब्ल्यू साइन ऑफ थर्टी डिग्री ये दोनों अगर एक दूसरे को बराबर होएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इवेंचुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी ये हो जाएगी विच एम्प्लॉइज अपनी कंडीशन हो गई वी पी डब्ल्यू साइन शुड बी इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन ऑफ थर्टी डिग्री दैट्स इट है ना यहाँ पे वी डब्ल्यू वी पी डब्ल्यू अपने को दिया हुआ है वन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव शुड भी इक्वल टू आपका वी डब्ल्यू जो अपने को मैं कितना ट्वेंटी दिया हुआ है ट्वेंटी साइन थर्टी ना दिस विल भी इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय साइन थर्टी आपका वन बाय टू होता है विच एम्प्लॉय साइन फाइव जो है वो हो गया आपका वन बाय फिफ्टीन ये टेन बाई वन फिफ्टी यानी कि वन बाय फिफ्टीन आ जाएगा सो so, ये जो आपका एंगल आया विच एम्प्लाईज एंगल फाइव जो है दैट इज साइन इनवर्स वन बाय फिफ्टीन ना ये एंगल है आपका ये जो लाइन ज्वाइनिंग आपकी ए बी है उससे आपका एंगल है सो so, ये आपका एंगल आ जाएगा ना एक चीज़ अब हमें यहाँ पे बताना है टाइम क्या होएगा एक चीज़ जो अपने को ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि अगर इसको ऐसे देखें आपका साइन फाइ जो है दैट इज़ 15 डिग्री दैट इज़ साइन इज़ वन बाई फिफ्टीन तो अगर हम एक ट्रा कंस्ट्रक्ट करें वो ट्राइंगल ऐसा कि ये एंगल आपका मान लो फाई है सो साइन फिफ्टीन साइन फाइज वन बाई फ़िफ्टीन का मतलब है परपेंडिकुलर वन और ये फ़िफ्टीन हो गया तो ये जो आपका बेस बनेगा दिस विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इसकी वैल्यू अगर लेके तो 15 का स्क्वायर टू टू फाइव उसमें से वन माइनस करेंगे दिस विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू फिफ्टीन यानी कि वी कैन से कॉस फाइव दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन आ जाएगा और एक्चुअली देखोगे साइन फिफ्टीन जब कैलकुलेट करते हैं ऐसा सॉरी साइन फाइव इज इक्वल टू वन बाई फिफ्टीन तो ये एंगल आता है करीबन थ्री पॉइंट फाइव डिग्री तो थ्री थ्री पॉइंट फाइव डिग्री का जब हम कॉस्ट लेंगे तो ऑलमोस्ट वन आएगा इसको टाइम कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया नाउ uh, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो गया सेकेंड पार्ट के सोल्यूशन के लिए हम कहेंगे टाइम टेकन दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी अभी जो वेलोसिटी जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो वी डब्ल्यू का ये कंपोनेंट और वी पी डब्ल्यू का ये कंपोनेंट जो आएगा ठीक है उससे हमने एक्चुअली यहाँ पे ट्रैवल किया है सो दिस विल बी इक्वल टू वी डब्ल्यू ये जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कॉस थर्टी प्लस वी पी डब्ल्यू कॉस फाइव ये बस वैल्यू डाल के आपका टाइम आ जाएगा सो टाइम विल बी इक्वल टू डी जो है वो अपने को uh, 500 किलोमीटर दिया हुआ है सो दिस विल बी इक्वल टू 500 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर थ्री डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू जो है वो अपना 10 है मल्टीप्लाइड बाई कास थर्टी विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू नहीं ये टेन नहीं ट्वेंटी है ट्वेंटी है, uh, है ना ट्वेंटी प्लस uh, ये है आपका वन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइज ऑलमोस्ट वन सो दिस विल भी इक्वल टू फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई ये बनेगा आपका टेन रूट थ्री प्लस वन फिफ्टी ना रूट थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री टू टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवनटीन पॉइंट समथिंग बनेगा प्लस वन फिफ्टी करेंगे सो दिस विल भी इक्वल टू फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाय वन सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री टू समथिंग आएगा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली थ्री थाउजेंड सेकेंड्स के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी विच एम्प्लाईज टाइम विल बी इक्वल टू फिफ्टी मिनट्स हालाइट सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट आंसर है सो दिस विल बी योर अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी